तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। तो गाइस बस जस्ट मैं रोनू को स्कूल के लिए छोड़ के आने वाली थी, रेडी वो हो चुका है। मैं भी कब से देरी खड़ी पड़ी हूँ, बट ये है कि कभी कोई शंगड़ मंगन कर रहा है, कभी कोई शंगड़ मंगन कर रहा है। तो बैग अभी पैक पैक करो। देखो एग्जाम तो वैसे इसके लिए बुक्स की इतनी जरूरत है नहीं, तो एग्जाम भी खत्म हो जाता है इतने में जब तक टाइम होता है ना बेचारी। तो बस अभी मैंने इसको पराठा बना के खिलाया है, पनीर वाला पराठा, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल में जाके नहीं खाता है। और बॉटल वगैरह पानी के भर के दे दी। साथ में मैंने अपने लिए बना लिया है अभी चावल। तो मेरे पास इतना कोई काम नहीं है गाइस, मैंने इसके लिए रोटी सब्जी सब बना दी है। और अभी बज रहे हैं 7:45 और हम जस्ट 10 मिनट में स्कूल में पहुँच जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी है ना चेरी? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा चेरी रेडी हो गया है, इधर आना। गुड मॉर्निंग तो करते अपने गाइस को विश करते। गुड मॉर्निंग गाइस। तो इसको अभी लग रहा है कि हबड़ा दबड़ी लग रही है, इसको जल्दी से मैं पहुंच जाऊँ। तो गाइस बस मैं इसको स्कूल छोड़ के आ रही हूँ, तो फिर आगे अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तेरा खाना खा के जा रही है क्या? बनाया तूने? अच्छा सही लग रहा है। दाल लाल क्यों इतने? कुछ डाला है क्या तूने इसमें? कश्मीरी दाल मिर्च। अच्छा तो अभी हॉस्पिटल जा रही है दोबारा? हाँ बस हॉस्पिटल जा रही हूँ। मम्मी ठीक है? मम्मा थोड़े से बैठे हुए हैं। छुट्टी अभी नहीं? कल पता नहीं है, परसों। अभी कंफर्म नहीं है? 6 दिन होंगे यार। तो बुखार अभी सही है? और सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं है, बुखार आ गया ना नई चीज। अच्छा ठंड वंड लग के बुखार चढ़ता है या फिर कैसे? ठंड लगती है फिर गर्मी भी लगती है, मतलब समझ नहीं आ रहा। सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं आ रहा किसी टेस्ट में। कुछ नहीं आया? अच्छा आज ना मैंने कमेंट पढ़ा था, मैं पूरी भगवान ऐसा करने लाई हूँ। दी मेरे को भी सेम प्रॉब्लम चेस्ट में था, मुझे 2.5 महीने फीवर नहीं उतरा। ओह माय गॉड। इसके 1 महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट रही, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ ठीक थी, लेकिन एंड में 2 महीने बाद टीबी निकला मेरे लोअर लंग्स में। है? हाँ। आय हाय। तो फिर लीवर वगैरह का टेस्ट हुआ नहीं क्या? सब हो चुका है, उसमें कुछ नहीं आया अभी। पर अभी टीबी वगैरह कुछ नहीं आया। अच्छा तो टीवी में मेन चीज तो ये होती है कि खांसी आती है बहुत ज्यादा। तो वो तो है नहीं तेरी मम्मी को शुरू से? फ्रेंड थी उसको टीवी था, उसको पता ही नहीं था, वो बस सिर्फ वेट गिर रहा था, उसको सिर्फ वेट गिरा जाता तो पता नहीं चला, खांसी भी नहीं थी। ये तो टेंशन वाली बात है फिर ये। अभी चलो भगवान ना करे कोई दिक्कत है, मम्मी को हो गई क्योंकि हमने टीवी का भी टेस्ट करा लिया, निमोनिया का भी करा लिया। अच्छा पर कभी कभी ना चीजें बात मतलब छोटी होती तो इतनी आती नहीं, नजर नहीं आती ना बार बार। चेस्ट मैंने डॉक्टर को ना फिर से चेस्ट एक्सरे कर दो, कह रहे ये मंथ में 2 या 3 बार होता है, 1 बार होता है, बार बार करते हैं उसकी रेडिएशन छाती में पड़ती है, हाँ। बनता है, है? हाँ, तो हम बार बार चेस्ट एक्सरे कर ही नहीं सकते। रेडिएशन तो आती है उसकी, तो फिर बुरा ही असर देती है। तो 2 महीने तक उसकी रेडिएशन हमारी बॉडी में रहती है, सोचो। हाँ। हम 2 महीने करा सकते हैं चेस्ट एक्सरे, और तुमने 2 बार करवा ली अभी। हाँ अच्छा तो कोई बात नहीं, देख लो क्या पता ऐसी दिक्कत भगवान करे हो ही ना। वो तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि ऐसा ना हो, मम्मी का फिर टेस्ट करा लेंगे। ये सोच के चलो कि नहीं टेस्ट करवाना है, ये मैं सोचे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी है नहीं, पर पता नहीं लगता ना बाद में क्या दिक्कत हो जाए भगवान ना करे। तो इसलिए जब 1-1.5 महीना बीत जाए ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दोबारा टेस्ट करा लेना है ना। तो अभी निकलेगी क्या तू खाना खा के? चल ठीक है, ध्यान से जाइए अपना है। माता हाँ जी क्या कर रहे हो? अरे 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 कड़ी टेढ़ी कड़ी बन रही है, तो बस अभी इसको उबाला ना आ जाए ना, इस करके मैं साथ खड़ी पड़ी हूँ खिलाने के लिए। फिर चाने से उबलेगी फिर खराब, चाने से बाहर आएगी सारी की सारी, इसको भी लगी पड़ी होगी आग कि कभी कभी लगी हुई है। और क्या नहीं बंद कर दे, नहीं बंद कर। अच्छा कभी आंखों से ओझलो और मैं बाहर आऊंगी, तो इसको प्रॉब्लम होती है। इसको देख कर ना मेरे को क्या कहते हैं जन्माष्टमी पे वो नहीं बनते श्रीखंड, घर पे बनाना टेस्टी लगती है, देखना पड़ेगा कैसे बनी कैसे नहीं बनी। हाँ येलो कलर की जो होती है हाँ, टेस्टी लगती है ठंडी ठंडी, वो तो माखन की तरह ही होती है, एक तरह से जैसी भी होती है। हम माखन लेके आते हैं वो गोल वाला माखन है ना, और पर अमन भैया वगैरह लेके आते हैं मीठा वाला, दूसरा वाला जो थोड़ा सा मीठा मीठा होता है, मीठा मीठा वैसा बनाना। तो वो सभी बनने वाली है, पकौड़े वाली बनानी है, मैंने वो भाजी वाली पकौड़ी डाल दी इसमें। यार बना लिया करो क्या दिक्कत है, पिछली बार मैंने पकौड़े बनाए तूने एक भी पकौड़ा नहीं खाया था। हाय खाया था मैं, खाता हूँ आलस है ये आलस। नहीं आलस की बात नहीं, चलिए कोई भी खाता मैं खाता हूँ, पिछली बार मैंने बनाए नहीं, ना 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 पिछली बार मैंने बनाए थे, सारे के सारे पकौड़े मुझे खाने पड़े थे, तो
इस करके हम तो कड़ी से पहले ही खा गए थे सारे आधे तो। हाँ जितने ही पड़े थे ना पकौड़े उसमें डाले थे वो बाकी सारे ऐसे पड़े रह गए थे, तुम नहीं मैंने डाला। हमने कड़ी ऐसी बचा के छुपा के रख दी होगी एकदम संभाल कर। संभाल के रख दी होगी। कोई ना फिर से बना कर आ जाओ कमरे में। चावल बनाओगे इसके साथ? रोटी में चावल लेकर गई थी। अच्छा ऑफिस जाके मैंने थोड़े से चावल डफ लिए और अब चावल खाने के बाद मेरा लग रहा है पेट मेरा भरा भरा सा लग रहा है। बस हाँ एक आधी कड़ी बना रही हूँ, एक आधी रोटी जरूर खाऊंगी साथ में क्योंकि रोटी खाई नहीं मैंने। हर्षी सिरप पड़ा हुआ है रात को, हर्षी सिरप वाला दूध बनाना। ठीक है बनाओगे? अगर नहीं बनाया मैं व्लॉग में दिखाऊंगा, खासकर नहीं बनाया तो आपको आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको धो देंगे सारे। अच्छा हाँ, हाँ, बना देना याद से। कौन से? अरे यार अजीब से लगते हैं थोड़े। नहीं सही लगते हैं, बल्कि टेस्टी लगते हैं। कौन? नहीं सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट रहते हैं, अजीब से लगते हैं। लंबे वाले फिर भी ठीक है, वो ढूंढने पड़ेंगे बंदी का रखे मैंने। चलो कोई ना, तो आज ही खाऊंगा मैं सिर्फ ये। क्या मतलब? आज ही कड़ी खाऊंगा, कल नहीं खाऊंगा। कल कुछ और बना, पतीला भर के बना लिया यार। तो क्यों बना दो इतना बड़ा पतीला? ये क्या मतलब? वो जितने उन्होंने पानी कड़ी वाला वो दिया है उतनी बनेगी ना कड़ी? ना यार लस्सी पी लूंगा कोई ना मैं। वो मैंने कड़ी बना दिया लस्सी का, ये ले चॉकलेट। अरे वाह थैंक यू। इस चॉकलेट का क्या करूँ मैं? ये मेरे को मतलब बहलाने के लिए? नहीं यार इसको टॉफी दी है मैंने। चलो कोई ना चलते हैं। चलो सर मैं बना रही हूँ, फिर रुकते थोड़ा सा आटा वाटा लगा दूँ। ठीक है गाइस, कड़ी बनके हो चुके है रेडी। आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना प्यारा आया है और मूंगरे डाल के तो और भी टेस्टी लग रही है। इस पे लास्ट में मैंने अभी तड़का लगाया है कस्तूरी मेथी का, साथ में हींग का, साथ में जो सरसों के बीज होते हैं वो, और साथ में कड़ी पत्ता। तो वो मैंने सब लगा के लास्ट में एक दे दिया है तड़का, जो कि मेरी कड़ी बनके हो चुकी है अभी रेडी। क्या कर रहे हो मम्मा? क्या ओ भाई सर ये क्या हो रहा है? इसको समझ नहीं चलाने के लिए रखी थी मतलब। उसको पूछी को देखो, पूछी को देखो मम्मा, पूछी को देखो। अब चुगली करेगी जाकर। क्या हुआ क्या गाइस? इसे देखो हुआ क्या? लेकिन खराब कर दी। हाँ खराब कर दी, देखो क्या कर। अब बंद कर दी और खराब हो जाएगी, अब चलेगी नहीं। कल लगता है मम्मा ने आना भी है वैसे भी। देखो उनका कॉल भी आ गया, कॉल तो आ रहा है। खा लो कोई ना डांट, वो तो कोई बात नहीं कर लेती हूँ। देख लेती हूँ उसका फोन आ रहा है। कितने लग जाएंगे वैसे खराब होने पे? है किसका गोल है? किसका गोल है भाई? हेलो आपकी मशीन खराब कर दी। हेलो हाँ जी मम्मी, कोको को दीजिए। हाँ ललता मम्मा मशीन खराब कर दी। पूछी नहीं वापस हड्डी छीन ली वापस चूट के पूछी की हड्डी को खेल। मजा आ रहा है पूछी को तंग करने में। नेक्स्ट तूने खा ली तो उसकी छीन दिए ना हमेशा, अब उसकी बारी है। ले ऐश कर आगी कोको सड़ गई। तो सड़ी रहा आया तो जान उसकी मम्मी से भोंग दी ना फालतू। अब मेरे से पंगे लेती है फालतू, रिवेंज सड़ गई। नानी कोको के पास हड्डी आ चुकी। अब क्या कह रही है लता मम्मा? तो मम्मी कह रही है कि खराब कर दी कोई बात नहीं, चलो अब वो क्या बोलेगी बेचारी? ये बोलेगी ना कि अभी खुद बेचारी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ठीक होंगे उसके बाद तो चलेगा। हाँ कह रही है अब देख दोबारा, अगर कपड़े निकल रहे कि नहीं निकल रहे क्योंकि कपड़े तो बंद हो गए ना इसके अंदर। अब देखो खुल भी नहीं रहा ढक्कन, ढक्कन नहीं खुल रहा ना उसका। अच्छा वो हथौड़ा लो ठक ठक, मेरे को मार के ठक कर देंगे जब भी। कोई ना उसको महारानी को देखो पीछे कैसे बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है।
प्यारा भालू को पूछी, मुझे मजा आ गया, मुझे मजा आ गया को को। चल कोई ना ऐश कर पूछी रोत। मजा आया। आप सोच रहे होंगे मैं इससे पंगे क्यों ले रहा हूँ। वैसे मेरे को फालतू में भोंगती, जैसे ही बड़े पापा आते हैं मैं दरवाजा खोल रहा होता हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ तो मेरे को पैर पे काटने की कोशिश करती है जानबूझकर। मैं इसको कुछ कहता भी नहीं हूँ। रो मत पूछी रो मत। कोको देखो कितने आराम से बैठी हुई है, और ये पूछी ना जानबूझ के कोको को छीनती है जब भी वो खा रही थी ना हड्डी। तो हाँ, मैंने उसकी तरफ से बदला लिया है, वो मेरे को बचाती ना इतनी बार काटने से, अब मैंने इसको बचाया है हड्डी के लिए। मम्मी ने मेरी बात सुनी थी, मम्मी ने बना दिया चॉकलेट वाला शेक, नहीं लेकिन बनाना वाला शेक, क्योंकि मैंने सोचा कि बनाना वाला पी लेता हूँ, बनाना ख़राब ना हो जाए, और चॉकलेट वाला मैं सुबह पी लूँगा, रात को थोड़ा हेल्थी ठीक रह जाएगा और गिर ना जाएगा इस। तो बस ये मैं इंजॉय करूँगा बनाना शेक। मम्मा हाँ बेटू चाय पी लो फटाफट, फिर तब मम्मा आएगी आपको डांट लगाने। तो पी नहीं पाओगे, ठंडी हो जाएगी। अभी अभी क्या डांट लगाने, जब तक आएगी तब तक डांस में बची पड़ी है। अभी भी मशीन चली नहीं है उनकी, चली नहीं है मुझे, नहीं कोशिश भी नहीं होगी लगता। कोशिश करी थी, करी है। अच्छा वो भी कह रहा है करी होगी लेकिन डांट फिर भी पड़नी, पर चली नहीं है अभी। पर मैं अभी दोबारा ट्राई मारूंगी कि होप सो कि चल जाए, पर अभी फिलहाल दिक्कत ही दे रही है। तो चाय पे क्या, रेडी हो जाओ फटाफट, क्या करने को, डांट खाने को। और गाइस इससे पहले आप मेरे को कहो कि मेरे पूछी की हड्डी छीन के कोको को दे दी, मैंने पूछी को वापस दे दी न्यू वाली, तो मैं उनके साथ कुछ ऐसे मतलब वो नहीं क्रूरता नहीं दिखा रहा था, बस उसको वापस मैंने हड्डी दे दी थी। मजाक करते हैं, मस्ती के साथ खेलना पड़ता है ना, तभी तो इसलिए पूछी को चिढ़ाया मैंने थोड़ी देर, ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो दोनों, थोड़ा सा मतलब मस्ती मजाक करे थोड़ा, काटे वाटे एक दूसरे को। हाँ। तो हमारे साथ खेल रहे हैं, अगर आप तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा गाइस। और गाइस मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कई बार ऐसी चीज होती है कि आवाज थोड़ी स्लो हो जाती है, या कोई जो वर्ड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं बीच में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। अभी एक कमेंट आ रखा था तो उन्होंने बोला कि आप जॉब कैसे करते हो, आपको आप बोल नहीं पाते ढंग से। ऐसा नहीं है गाइस, कई बार क्या होता है कि कल जब मैंने ब्लॉग बना रही थी ना उस समय नींद में थे, उस समय नींद में थी और मेरी ना आंखें बंद हो रही थी बार बार, आपने देखा भी होगा, तो मैं मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी, इस वजह से कई सारे वर्ड्स होंगे ना आपको समझ में नहीं आएंगे या फिर मिस हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कैसे करी, मैं पिछले 4-5 साल से जॉब करी गाइस, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई है मेरा, और ठीक है जो भी है अच्छा चल रहा है, चलाएंगे आगे भी। और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।